शुरुआत में ज़मीन का एटमॉस्फेयर यानी अर्थ का एनवायरनमेंट आज के अर्थ के एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ था। उस वक्त ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। इसके अलावा इस एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही लिमिटेड थे, जिसकी वजह से इब्तदाई ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा महदूद थी। उस वक्त चूंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और उस वक्त ज़मीन पर ओजोन भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सूरज की रेडिएशंस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मौजूद थी, जिसकी वजह से ज़मीन की क्रस्ट के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर लाइफ का इवॉल्व होना नामुमकिन था। इसी वजह से इब्तिदा में वाटर यानी डीप सी के अंदर लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई और सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए वो एनएरोबिक प्रोकैरियोट्स यानी हर्शिया बैक्टीरिया थे। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज़म्स ने हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर यूज़ किया। इस हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स के अंदर रिड्यूस्ड कर दिया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को लिया और शुगर्स के अंदर तब्दील हो गई। इस तरह से पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स इवॉल्व हुए, जिन्हें फोटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ये तकरीबन अर्थ के बनने के 1 बिलियन ईयर्स बाद इवॉल्व हुए। इनके बाद कुछ सियानो बैक्टीरिया भी इवॉल्व हो गए। सियानो बैक्टीरिया फोटोट्रॉफ्स के तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स बाद इवॉल्व हुए। सियानो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर को यूज़ करना शुरू किया। इस तरह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगी। इस ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर पर अकुमुलेट होना शुरू कर दिया। इस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। चूँकि शुरू में अर्थ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और अर्थ का एटमॉस्फेयर एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जब प्रोकैरियोट्स ने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर को यूज़ करना शुरू किया तो ऑक्सीजन के रिलीज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में अपर लेयर्स के अंदर ओजोन बनना शुरू हुई। इस ओजोन ने ज़मीन को एक गिलाफ की सूरत में, एक ब्लैंकेट की सूरत में कवर कर लिया। ये ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से इस ज़मीन पर लाइफ को फैलने फूलने का और ज़्यादा मौका मिला। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज़म ने फिर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करना भी शुरू कर दिया, जिससे एरोबिक प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए। यानी जब
कुछ ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया तो फिर एरोबिक प्रोकैरियोट्स बने जिन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन को शुरू किया।